हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड दी वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या है, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ जो है हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। वहाँ रेगुलरली वीडियो के लिंक्स और कुछ नोट्स अपडेट किए जाते हैं, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वेटलैंड्स। नाउ लेट अस फर्स्ट कंसीडर व्हाट आर द वेटलैंड्स। नाउ सी द वेटलैंड्स आर द ट्रांजिशनल बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक सिस्टम, वेयर द वाटर टेबल इज यूजुअली एट और नियर और ऑन द लैंड इज कवर्ड बाय द शालो वाटर। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, जो आप जानते हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो नियरली ड्राई एरिया होता है, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में डीप डाउन वाटर होता है नीचे, यानी टेरेस्ट्रियल लैंड यहाँ पे ड्राई सॉइल से बना है, वाइल जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो डीप डाउन वाटर से बना होता है। तो वेटलैंड जो है ये ट्रांजिशनल है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल लैंड एंड द एक्वेटिक लैंड। ट्रांजिशनल का मतलब यह होता है कि ना वहां पे ड्राई सॉइल है और ना वहां पे डीप डाउन वाटर है, वहां पे ट्रांजिशनल वाटर है, यानी वहां पे जो वाटर की कैटेगरी है इट्स अ शालो वाटर। शालो वाटर का मतलब यह होता है कि ऐसा वाटर होता है कि उसमें से हम चल सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 फुट या फिर 6 मीटर्स तक वो हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रांजिशनल है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। दोनों के बीच में जो शालो वाटर आता है, इस शालो वाटर को बोला जाता है वेटलैंड्स। यूजुअली ये सरफेस के नियर होता है और कवर्ड होता है शालो वाटर से। ओके, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे शालो वाटर है बिल्कुल, तो ऐसे लैंड्स को है ना वेटलैंड्स बोला जाता है। तो वेटलैंड्स आर सिंपली द ट्रांजिशनल बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में वो ट्रांजिशनल एरिया होता है जहां पे शालो वाटर होता है, जिसमें से आप ऐसा बोल सकते हो कि नियरली हम चल सकते हैं उसमें से। तो सॉइल के थोड़ा सा ऊपर ही 2-4 फीट तक या फिर स्टैंडर्डली अगर कहें तो 6 मीटर तक वो हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स ऐसे होते हैं कि उसमें से सिंपली आप वॉक कर सकते हो। ओके, तो ये एक यूनिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम बनाते हैं, इसीलिए ये बहुत क्रिटिकल होते हैं फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कंसिडर दी रैमसर डेफिनेशन फॉर दी वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के लिए एक रैमसर कन्वेंशन के हिसाब से भी एक डेफिनेशन है जो बहुत प्रिसाइसली मेंशन करती है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। नाउ सी द वेटलैंड्स आर द एरियाज ऑफ मर्श, फेन, पिटलैंड्स और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्लैकिश और साल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मराइन वाटर, द डेप्थ ऑफ विच एट द लो टाइड डज नॉट एक्सीड द 6 मीटर्स। देखिए ये रैमसर कन्वेंशन की डेफिनेशन है और ये बहुत क्लियर कट मेंशन करती है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू रैमसर कन्वेंशन की या तो ये मर्शलैंड होते हैं, फेन होते हैं, पिटलैंड्स होते हैं या फिर वाटर होता है जो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो सकता है। ये यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑप्शंस में वहां दिया जाता है कि वेटलैंड्स नेचुरल होते हैं या फिर आर्टिफिशियल होते हैं या फिर दोनों तरीके के हो सकते हैं। देखिए रामसर कन्वेंशन की डेफिनेशन के हिसाब से वेटलैंड जो होते हैं उसको नेचुरल भी कंसिडर, नेचुरल वेटलैंड्स को भी वेटलैंड कंसिडर किया जाता है और आर्टिफिशियल को भी वेटलैंड कंसिडर किया जाता है। और ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्पररी भी हो सकते हैं, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए, अगर कुछ टाइम के लिए वहां पे अगर वाटर अकुमुलेट हो जाए ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल तो उसे भी वेटलैंड कंसिडर किया जाएगा क्योंकि टेम्पररी वाटर स्टोरेज को भी यहाँ पे वेटलैंड कंसिडर किया जाता है। नाउ विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, या तो वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है या फिर वो वाटर स्टैटिक भी हो सकता है, एक जगह जमा हुआ वाटर भी वेटलैंड कहलाता है, और अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लोटिंग वाटर को भी वेटलैंड कंसिडर किया जाता है। तो वेटलैंड जरूरी नहीं है कि अगर हम ऐसा लैंड देखें जो वहां पे वाटर ठहरा हुआ है, एक जगह है, स्टैटिक है, ऐसा भी हो सकता है कि वाटर फ्लोइंग हो और उसमें से हम चल सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं वेटलैंड्स। तो वो स्टैटिक भी हो सकता है और फ्लोइंग भी हो सकता है, उसके साथ साथ वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर साल्ट वाटर भी हो सकता है, यानी फ्रेश वाटर से बना हुआ जो लैंड होगा उसे भी वेटलैंड बोला जा सकता है, या फिर अगर वहां पे साल्ट वाटर है विच इज कमिंग फ्रॉम द ओशियन, अगर ओशियन से वो वाटर आ रहा है और वहां पे वेटलैंड बन रहा है तो स्टिल इट इज ऑल्सो अ वेटलैंड। तो फर्क नहीं पड़ता है कि वाटर का सोर्स कहाँ पे, कि वो फ्रेश वाटर सोर्स है या फिर साल्ट वाटर सोर्स है, दोनों तरफ से अगर वाटर आ रहा है तो वहां पे वेटलैंड बन सकता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म है कि जब लो टाइड चल रही हो तो उस वक्त 6 मीटर से ज्यादा डेप्थ उसके नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सबसे बेसिक है कि सिक्स में जब लो टाइड वहां पे चल रही है तो 6 मीटर से ज्यादा उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं वेटलैंड बोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 6 मीटर विच इज गिवन बाय द रैमसर कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रॉम द यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि वेटलैंड कन्वेंशन की रैमसर कन्वेंशन के हिसाब से जो है वो वेटलैंड क्या होते हैं।
वो नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, टेम्पररी हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं, फ्लोइंग भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर से भी बन सकते हैं, साल्ट वाटर से भी बन सकते हैं, और लो टाइड्स के वक्त बस उनकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो ऐसे लैंड को वहां पे वेटलैंड कंसिडर किया जाएगा। नाउ लेट अस कंसिडर दिस सम टाइप्स ऑफ द वेटलैंड्स। देखिए वेटलैंड्स के कुछ टाइप्स हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो उसमें टाइप है इट्स कॉल्ड एज द पीटलैंड्स। नाउ दीज आर द वेटलैंड्स विद अ थिक वाटर लॉक सॉइल। थिक वाटर लॉक सॉइल जो होती है वहां पे, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, मतलब सॉइल है और वाटर लॉक सॉइल है, लेयर जो मेडअप होती है डेड एंड डीकेइंग प्लांट मटेरियल से। मतलब अगर आप पिक्चर में यहाँ पे देखो तो जो प्लांट है यहाँ पे डेड एंड डीकेइंग प्लांट मटेरियल होता है और उसके साथ वाटर मिक्स होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसको पीटलैंड बोला जाता है। एग्जाम्पल इसके है मोर्स, बोग्स, मायर्स, पीट स्वैम्स फॉरेस्ट एंड फर्माफ्रॉस्ट ऑफ द टुंड्रा, ये सब पीटलैंड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीट क्रिएट होता है ड्यू टू द प्लांट वेस्ट और द एनिमल वेस्ट। यहाँ पे जो भी डेड एंड डिकिंग मैटर होता है उस वजह से पीट क्रिएट होता है, इसीलिए उसे पीटलैंड्स बोलते हैं। पीट को आपने जरूर पढ़ा होगा जब आप ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वहां पे पीट मॉस बोल के एक मॉस होता है जहाँ पे पीट क्रिएट होता है। ये पीट नियरली फर्टिलाइजर्स की वैल्यू रखता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं टू द अदर वेजिटेशन, राइट। Now see the peatlands are represent half of the earth's wasteland and covers 3% of the global total land area. देखिए जितने भी wetlands है दुनिया में उसमें से जो half है यानी जो 50% wetlands है वो peatlands से ही बने हैं, और nearly 3% area जो है मदर अर्थ का वो कवर करते हैं। तो peatlands are simply the थीक वाटर लॉक सॉइल ये होती है, और ये डेड एंड डिकिंग प्लांट मटेरियल से बनी होती है, उसके साथ उसमें वाटर मिक्स होता है, और इसके एग्जांपल है मोर्स, बॉक्स, मेयर्स एंड पीट्स, राइट। परमाफ्रॉस्ट टुंड्रा भी इसके अंडर आता है। 50% जो है ये एरिया वो पीटलैंड से ही बना है, एंड 3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया ऑफ द अर्थ वो कवर्ड है पीटलैंड से। ओके, नाउ कंसिडर द सेकंड टाइप, इट्स कॉल्ड डेल्टाज एंड द कोस्टल वेटलैंड्स। तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे डेल्टा है या फिर जहाँ पे कोस्टल लैंड्स है वहां पे ये पीटलैंड्स होते हैं, सॉरी वहां पे वेटलैंड्स होते हैं। नाउ डेल्टास आर फाउंड ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द रिवर्स वेयर द फ्लो ऑफ वाटर स्लोज डाउन। जहां पे डेल्टा आता है वहां पे क्या होता है कि रिवर का जो फ्लो होता है वो स्लो डाउन होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि इधर से रिवर्स आ रही है और इधर जाके वो ओशियन में मिल रही है, तो ओशियन में यहाँ पे जो वो मिल रही है, तो यहाँ पे ओशियन में मिलने से पहले यहाँ पे जो उसका रेट स्लो डाउन हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर अकुमुलेट हो रहा है बीच में और यहाँ पे वो स्टैटिक बन रहा है, और इस वजह से ये जो स्टैटिक वाटर है विच इज मिक्सिंग ऑन द कोस्टल एरिया, यहाँ पे डेल्टाज और कोस्टल वेटलैंड्स बनते हैं। ये जो डेल्टाज और कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं ये बड़ा ही यूनिक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जिसका फेमस एग्जांपल आपको पता है मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स में क्या होता है कि वहां पे मडी सॉइल बनती है और मडी सॉइल में मैंग्रोव जैसे प्लांट जो है वो ज्यादा ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ मड फ्लैट्स जो है इसी के एग्जांपल है, जहां पे मडी सॉइल होती है वहां पे मड फ्लैट्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद साल्ट मर्शेस एंड सी ग्रासेस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द डेल्टाज एंड द कोस्टल वेटलैंड्स। ओके, नाउ सी यहाँ पे स्लो डाउन होता है एंड इट स्प्रेड्स इनटू द एक्सपेंस ऑफ द वेटलैंड्स एंड द शालो वाटर। यहाँ पे शालो वाटर क्रिएट होने का रीजन ये है कि जैसे जैसे वो ओशियंस में मिलने के लिए आते हैं वैसे वैसे उनका जो फ्लोइंग रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है, और फ्लोइंग रेट बहुत कम हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है वो वेटलैंड्स या फिर डेल्टास एंड कोस्टल वेटलैंड्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ऑलराइट, और एग्जांपल है मैंग्रोव्स, मड फ्लैट्स, साल्ट मर्शेस एंड सी ग्रासेस। ओके, नाउ सी द थर्ड वन इज द वेटलैंड्स इन द ड्राई रीजंस। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ये ड्राई एरियाज में क्रिएट होने वाले वेटलैंड्स है। नाउ द अरिड्स एंड द सेमी अरिड एरियाज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजनल रेनफॉल एंड द वेटलैंड्स आर रिटेन वाटर लॉन्ग आफ्टर द रेस्ट ऑफ द लैंडस्केप हैज ड्राइड आउट। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्राई एरियाज होते हैं, जो अरिड एरियाज होते हैं या फिर सेमी अरिड एरियाज होते हैं, जैसे इंडिया में हम राजस्थान का एरिया देखते हैं, थार डेजर्ट का एरिया देखते हैं, इस राजस्थान एरिया में जैसे थार डेजर्ट एरिया में अगर वाटर ईयरली जो वाटर होता है वो बहुत सीजनली आता है, मतलब वो एक आध सीजन होता है बस पर्टिकुलर उसी समय वहाँ पे वाटर आता है, और वाटर आने के बाद जो है कुछ एरियाज जो है इस ड्राई डेजर्ट के उस वाटर को क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, जबकि चारों ओर से वाटर इवेपोरेट हो चुका है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वाटर रिटेन हुआ है वहाँ पे वाटर थोड़ी देर के लिए ज्यादा ठहरा हुआ रहता है, वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। तो ये जो एरिया है ड्राई एरिया, डेजर्ट एरिया जहाँ पे वाटर अकुमुलेट हो रहा है उसको कहते हैं वेटलैंड्स इन द ड्राई रीजन, जो ड्राई रीजन में वेटलैंड क्रिएट हुआ है। ओके, जनरली ये दलदली एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा कि जो दलदली एरियाज होते हैं ये ऑफन डेजर्ट में क्रिएट होते हैं, और यहाँ पे वाटर अकुमुलेशन होने की वजह से ये क्रिएट होते हैं। यहाँ पे सैंडी सॉइल और प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये दलदल क्रिएट होते हैं। Now these wetlands include the rivers, swamps, lakes and the springs that dry up portions of the year. तो साल के थोड़े टाइम के लिए जहां से रिवर बह रही थी उसके बाद वो ड्राई अप हो गई या फिर जो वेटलैंड क्रिएट करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो लेक, स्प्रिंग्स, रिवर, स्वैम और रेन
ये सब रिस्पॉन्सिबल है वेटलैंड्स क्रिएट करने के लिए इन द ड्राई रीजन्स। नाउ सी द फोर्थ टाइप, इट्स कॉल्ड हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, ये हाई अल्टीट्यूड पे आते हैं, जहाँ पे ज्यादा हीट होती है वहां पे आते हैं। जैसे ग्लेशियल लैक्स, मर्शेस, वेट ग्रासलैंड, पीटलैंड्स एंड द रिवर्स सपोर्ट द यूनिक इकोसिस्टम। दीज वेटलैंड्स स्टोर द वाटर फ्रॉम रेन एंड ग्लेशियर मेल्ट। जैसे आप देख पा रहे हो जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, इन ग्लेशियर्स से जब आइस मेल्ट होती है, तो आइस मेल्ट होने के बाद वहां पे रिवर क्रिएट होती है। तो रिवर क्रिएट होने के बाद वो जब बहती है, तब वो नीचे सॉइल के साथ मिक्स होती है, और वाटर के क्वांटिटी लेस होने की वजह से वहां पे वेटलैंड्स बनते हैं। और उसके साथ साथ ये जो हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स होते हैं, वहां पे रेन वाटर भी जमा होता है, और रेन वाटर की वजह से भी वहां पे वेटलैंड्स क्रिएट होते हैं। तो हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, दीज आर नथिंग बट द रेन्स एंड द ग्लेशियर मेल्ट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज द आर्टिक वेटलैंड्स। आर्टिक वेटलैंड, जैसे आप समझ पा रहे हो कि ये आर्टिक एरिया में आते होंगे। नाउ सी द दीज वेटलैंड्स आर द मेन इकोसिस्टम्स इन द आर्टिक वेटलैंड। देखिए, आर्टिक जो एरिया है, ये वो बहुत एक्सट्रीम एरिया है, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बड़ी यूनिक है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, और कुछ ही यूनिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को या फिर पर्टिकुलर इकोसिस्टम को टॉलरेट कर पाते हैं। ये आर्टिक वेटलैंड जो है वो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, इट स्टोर्स द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट इज ऑल्सो क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी, उसके लिए भी ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। उसका रीजन ये है कि वो यूनिक फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इसका मतलब वहाँ पे एंडेमिज्म का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। जो स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है वो वहाँ दुनिया में कहीं और पाई नहीं जाती। ओके, दैट इज वाई ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। नाउ दे ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ द लिवलीहुड फॉर द इंडिजिनियस पीपल। जो भी आर्टिक पीपल है उनके लिए जो है ये वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी वेटलैंड से जो कुछ उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वो इन्हीं वेटलैंड से आता है। Alright, so this is the fifth type. Now let us consider the what is the important wetlands. जैसे अब तक हम बात करते आ रहे, एक बात तो आपको समझ में आ गई होंगी कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है बड़ी यूनिक होती है, और इन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने का जो काम है वो ये वेटलैंड्स करते हैं। जैसे आप समझ पा रहे हो कि ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, अब मैंग्रोव्स को वह जो है वेटलैंड्स ही सपोर्ट करते हैं। मैंग्रोव्स और कहीं नहीं आ सकते, वो डेल्टा या फिर कोस्टल वेटलैंड्स पे ही ग्रो हो सकते हैं। तो मैंग्रोव जैसी यूनिक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने का काम जो है वो वेटलैंड्स करते हैं। नाउ सी द अमंग्स वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट्स विद हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे हम बात ही कर रहे थे कि मैंग्रोव जैसे प्लांट और मैंग्रोव के रूट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट बाहर निकले हुए होते हैं, और ये जो रूट है ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं टू द फिशेस, जहाँ पे फिशेस क्या करती है, ब्रीड करती है और एग्स को ले करती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एक यूनिक हैबिटेट प्रोवाइड करने का काम जो है ये वेटलैंड्स करते हैं। अगर यहाँ पे वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीजेस है वो भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एक्सटेंट हो जाएंगी। तो एनवायरमेंट के हिसाब से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स। नाउ ये ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी होती है जो यूनिक प्लेसेस पे उस यूनिक वेटलैंड्स को विजिट करती है जब उनके हैबिटेट में स्ट्रेस क्रिएट हुआ हो। तो बहुत सारे वेटलैंड्स ऐसे हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स को रिसीव करते हैं जब उनके हैबिटेट में वहां पे स्ट्रेस चल रहा हो। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये एक शेल्टर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स 2 से 3 महीने तक का जो है यहाँ पे क्या करते हैं, वक्त बिताते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल्सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। उसके साथ साथ ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये फ्लड कंट्रोल के काम में आते हैं। देखिए, अगर ये वेटलैंड्स जो ट्रांजिशनल एरिया होते हैं बीच में, बिल्कुल यहाँ पे एक और अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे टेरिस्ट्रियल लैंड है और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक्वेटिक लैंड है, अगर यहाँ पे कभी सुनामी जैसी कंडीशन आ जाए या फिर अगर फ्लड जैसी कंडीशन आ जाए, तो वाटर को ऐसे चल के यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा इस पूरे वेटलैंड को। ठीक है, वेटलैंड को क्रॉस करने के बाद ही वो टेरिस्ट्रियल लैंड पे ये वाटर आ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो वेटलैंड्स है ये बफर जोन की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनकी स्पीड कम कर देते हैं इससे पहले कि वो टेरिस्ट्रियल लैंड पे पहुंचे। तो इसीलिए ये जो फ्लड कंट्रोल में भी जो है वेटलैंड्स क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। देखिए, मेजोरिटी कंट्रीज में क्या करते हैं कि ये जो वेस्टलैंड होता है, इस वेस्टलैंड पे वो क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है सिटी से निकला हुआ उसको वहां पे डाल देते हैं। तो ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है यहाँ पे, जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वेटलैंड्स में, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हार्मफुल मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लीन वाटर को अदर साइड से निकाल देते हैं। तो एक तरह से वाटर क्लीनिंग मशीन की तरह जो है ये वेटलैंड्स काम करते हैं। तो यहाँ पे वो सेडिमेंट्स का जो लोड है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जो कुछ सेडिमेंट आ रहा है प्लांट्स उसे रोकने का काम करते हैं और उसको स्टोर करने का काम करते हैं इन द पिट्स। ओके, तो यहाँ पे
नॉट ओनली फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए तो ये वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट। फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू वो फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, वेस्ट वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे वेटलैंड्स वो जो है वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटलैंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टडीिंग द बॉटनी, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द बॉटनी नेशनल चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू बॉटनी नेशनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।